और वहीं कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ने यूपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। केशव मौर्य ने कहा कि इस साल 3 काम बेहतरीन। मौर्य ने कहा कि सड़क, पानी, बिजली को लेकर उनकी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने दावा किया कि गरीब, किसान, महिला सभी वर्गों के हित में काम किया है। कोरोना वायरस को लेकर के जो समस्या पैदा हुई है, हमें अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर तो उप मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचे थे और वहां पर अपने सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 3 साल सरकार काम कर रही, 3 साल से उसमें बेहतरीन काम हुए हैं। किसानों की बात करें, गरीबों की बात करें, महिलाओं के सम्मान सुरक्षा की बात करें, सभी के लिए काम हुआ है। तो 3 साल का जो पूरा लेखा जोखा था, जो उपलब्धियों का आंकड़ा था, वो उप मुख्यमंत्री ने जनता के सामने पेश किया। कोरोना वायरस को लेकर के जो समस्या पैदा हुई है, हमें अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर तो उप मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचे थे और वहां पर अपने सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 3 साल सरकार काम कर रही, 3 साल से उसमें बेहतरीन काम हुए हैं। किसानों की बात करें, गरीबों की बात करें, महिलाओं के सम्मान सुरक्षा की बात करें, सभी के लिए काम हुआ है। तो 3 साल का जो पूरा लेखा जोखा था, जो उपलब्धियों का आंकड़ा था, वो उप मुख्यमंत्री ने जनता के सामने पेश किया। कोरोना वायरस को लेकर के जो समस्या पैदा हुई है, हमें अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर तो उप मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचे थे और वहां पर अपने सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 3 साल सरकार काम कर रही, 3 साल से उसमें बेहतरीन काम हुए हैं। किसानों की बात करें, गरीबों की बात करें, महिलाओं के सम्मान सुरक्षा की बात करें, सभी के लिए काम हुआ है। तो 3 साल का जो पूरा लेखा जोखा था, जो उपलब्धियों का आंकड़ा था, वो उप मुख्यमंत्री ने जनता के सामने पेश किया।